भाई चलते चलते ये पता नहीं कहाँ से आ गया एकदम फॉग। मेरे को वाइजर खोल के चलानी पड़ रही है भाई। टाइम हो चुका है ना सुबह के 4। हे भगवान जी, सीरियसली मत चलते चलते दिन हो गया, रात से चलते चलते दिन हो गया। हे बाबा, पंचर वाला नहीं मिला। क्या नजारे हैं, क्या नजारे हैं भाई, एक नंबर नजारे यार। मतलब मेहर करो, कोई पंचर वाला ढूंढो जिससे पंचर लगवाए। टाइम हो चुका है ना सुबह के 4 और मेरी पता नहीं क्या हुआ, बाइक का रियर वाला जो टायर है, पीछे वाला टायर है, वो भी खड़ी खड़ी एकदम फुस हो गया था। हम रुके थे चाय के लिए, तो वापस में जब मैंने देखा तो पीछे का टायर जो था वो फुस, और इस टाइम पे कोई पंचर वाला मिल नहीं रहा भाई लोगों, तो ये हो गई बड़ी दिक्कत। अभी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एयर पंप था तो उससे हमने हवा वगैरह तो भर ली है, बट यार आगे के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो अगर पंचर वाला मिलता तो अभी तुरंत से पहले पंचर लगवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे में तो यार दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी अपने को, और दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी तो भाई प्रॉब्लम अपने को ही होनी और किसी को नहीं होनी। तो ट्राई करते हैं पहले, अगर पंचर वाला मिल जाता है तो। हे भगवान जी, मेहर करो, कोई पंचर वाला ढूंढो जिससे पंचर लगवाएं और निकले फिर सीधा। बहुत माइनर पंचर है इतना तो मुझे कंफर्म है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हवा निकल रही है। तो भगवान जी, अगर आगे कोई मिल जाता है तो प्लीज़ जल्दी से मिलवाओ उसे, उस रब के बंदे को, और मेरा पंचर लगवाओ, नहीं तो हमें हवा भर भर के ही चलानी पड़ेगी है। भाई चलते चलते ये पता नहीं कहाँ से आ गया एकदम फॉग। मेरे को वाइजर खोल के चलानी पड़ रही है भाई, बहुत ज़्यादा फॉग है यार। आप लोग देख सकते हो तो लाइट अच्छी है कि मेरे पास येलो लाइट भी है गाड़ी बाइक में, तो उसके सहारे बस मैं चले जा रहा हूँ। वाइजर पे ना पूरा भाई फॉग हो चुका है, तो मुझे वाइजर खोलना पड़ रहा है, और वो मुझे बताया कि मुझे कितनी ठंड लग रही है। ये भी भाई जिंदगी का एक बहुत बड़ा एडवेंचर है सीरियसली। अभी तो अपने पास एक और येलो लाइट है, उसको भी, ओ ये ज़्यादा हो गई भाई। तो अपने को तो भाई देखो कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो, बट इसको नीचे वाली की तो बंद ही कर देते हैं। आप बंद रहो जी। अब चलने देते हैं भाई धीरे धीरे। ओहो भाई, मेरी तो आंखें ठंडी हो गई भाई सीरियसली यार। मतलब ओ भाई क्या ठंड पड़ रही है दादा, अल्टीमेट मजा भी आ रहा है और ठंड भी लग रही है। सो भाई लोग कोहरे को कवर करते 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 कोल्हापुर पहुंच चुके हैं, और अभी यहाँ से आगे 43 किलोमीटर आगे चल के हमें राइट हैंड पे एक नए हाईवे पे चढ़ना है। तो स्पीड काफ़ी अच्छी चल रही थी बट अभी डाउन हो गई बिकॉज ऑफ ये फॉग की वजह से। 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट, और अभी भी 200 समथिंग अभी भी रहता है, मतलब 250 किलोमीटर के आसपास अभी भी रहता है यहाँ से। तो अभी जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है भाई 4.5 घंटे, और जो है किलोमीटर वो है भाई 210 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट यहाँ लग ही जाएंगे 4-5 घंटे, बिकॉज जिस सबसे कोहरा है तो ज़्यादा भी लग सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बट राइड काफ़ी अच्छी चल रही है, और यार बाइक पंचर हो चुकी है दूसरी बार भी, अभी हवा डाली, ढूंढ रहे हैं कोई पंचर वाला मिल जाए बट मिल ही नहीं रहा भाई। और ऊपर से ये ठंड भयंकर, मैं सोच रहा था इधर में ठंड नहीं होगी बट इधर तो भाई ज़्यादा ठंड है यार। सो भाई लोगों, एक छोटी सी शायरी, बहुत बुरी सी शायरी। रात चलते चलते दिन हो गया, रात से चलते चलते दिन हो गया, हे बाबा पंचर वाला नहीं मिला। भाई पंचर वाला नहीं मिल रहा, 4 बार हवा भर चुके हैं, बार बार एयर प्रेशर पंप निकालना पड़ता है, उससे हवा डालनी पड़ती है, और इतना फॉग पड़ रहा है भाई। वाइजर लगाता हूँ तुरंत से, मतलब आगे उसमें वाइजर ब्लर हो जाता है तो मुझे वाइजर खोलना पड़ता है, तो इसलिए आपको ना विंड ब्लास्ट भी आ रहा होगा, तो उसके लिए गाइज आई एम रियली सो सॉरी। बट सीरियसली राइड में बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह के बज चुके हैं 7:30, अपन कवर कर चुके हैं भाई लोगों 550 किलोमीटर, और पहुंचने को तब तक पहुंच जाते, कब के पहुंच जाते, बट ये फॉग और ट्रैफिक दोनों चीज़ों ने भाई ले ली रास्ते में, और ऊपर से बाइक ने भी कह के ले ली भाई। तो कोई बात नहीं जी, दुर्घटना से देर भली लेट पहुंच जाएंगे पर अच्छे से पहुंचेंगे। अभी बस एक पंचर वाले को देखना है, पंचर लगवाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे भाई नॉन स्टॉप।
बट किस्मत में भाई कोई पंचर वाला लिखा ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा पंचर वाला यार। अन्ना पोड़े पंचर पुणे बेंगलोर पुणे वाला जो हाईवे नहीं वाला, बहुत अमेजिंग हाईवे है, बहुत मजा आ रहा था सीरियसली। जो नाइट राइड गई है ना अपनी, वो बहुत एक नंबर गई, एक नंबर, मजा आ गया भाई लोगों। तो भाई लोगों चलते चलते रात से हो गई दिन, चलते चलते रात से हो गई दिन, पर क्या करें पंचर वाला भैया नहीं मिला। तो भैया मिल चुके हैं पंचर वाले, सुबह के बज रहे हैं भाई 7 और ये बड़ी मुश्किलों से मिले अपने को। अभी यहाँ से गोवा है 150 किलोमीटर लेफ्ट, तो चलते हैं भाई आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भाई एक छोटा सा बारीक सा पंचर निकला है, बट यार आपको है ना कुछ एक बातें शेयर करनी है। अपन ने ना इसमें देखो ये देख रहे हो आप, अगर ल्यूब आप देख रहे हो तो साइड से ये भाई लोगों अपन ने इसमें डलवाया हुआ था फॉर्मूला X1, जो कहते हैं कि पंचर नहीं होता जिससे टायर, बट मुझे बिल्कुल गलत लगा और भैया ने भी वो क्लियर आउट कर दिया। भैया ने बोला ट्यूब वालों के लिए सिर्फ वो इतना काम करता है कि वो है ना ट्यूब को ठंडा रखता है, पंचर अगर चुपक नहीं होता तो भाई सच में लग जाता, वो बहुत माइनर पंचर था बट वो नहीं लगा। तो मेरे कहने से तो भाई फॉर्मूला X1 ना डलवाएं, मेरा सजेशन यही है। और धर्मेंद्र भी आपका क्या सजेशन है? एक्चुअली जो कंपनी क्लेम करती है कि पंचर हो जाएगा तो ट्यूब ऑटोमेटिकली उस होल पे जाएगा और वहाँ पंचर जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें क्या हुआ पंचर बहुत माइनर पंचर है और उसमें से सारा लिक्विड फॉर्मूला एक्स निकल के टायर में बाहर आ गया, तो पंचर तो जुड़ने का कोई प्रॉब्लम है ही। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि कभी भी फालतू की चीज़ें ना डलना, जो है वो ही रहना चाहिए। हमारा वेस्ट हो गया, हम नहीं चाहते कि आप लोगों को भी पैसा वेस्ट हो, आपका भी नहीं होना चाहिए। तो पैसा पैसा पैसे को बचा ये सब फालतू की चीज़। तो चलो जी अभी पंचर सेट वेट करवाते हैं और बच्चों के साथ यहाँ से है भाई करीबन गोवा 150 किलोमीटर, तो 2 घंटे हंस के लग जाएंगे। तो इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं सीधा रूट पे, बाइक पर ही मिलते हैं डायरेक्टली आपसे। ये भैया ना होते तो हो जाती आज बहुत सारी दिक्कत, पर थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरा काम बना दिया, आज दिन बना दिया, थैंक यू सो मच। सो भाई लोगों बहुत ज़्यादा परेशान था बाइक के पंचर को लेके, बट फाइनली भैया ने पंचर फिक्स कर दिया है और अभी टाइम हो गया भाई लोगों निकलने का। तो बस टाइम नहीं लगाते हैं ज़्यादा, अभी अपन ने बेलगम और यहाँ से है 150 किलोमीटर अराउंड गोवा, तो मोस्ट प्रोबेबली 2.5 से 3 घंटे लगेंगे क्योंकि आगे जो रोड बता रहे हैं वो ख़राब होने वाला है। और भाई लोगों दिन भी हो चुका है तो गोवा की एंट्री तो आप लोगों को दिखानी ही पड़ेगी। सो फाइनली गोवा आने वाला है भाई, घूमते घूमते कहाँ से कहाँ पहुँचे, अभी मैं केरल में आ चुका हूँ और केरल में ये जगह का नाम मुझे नहीं कंफर्म, बट कोई विलेज है। और भाई यहाँ के जो बंदे हैं ना वो बहुत ही अलग लेवल के यार, इतने सपोर्टिव बंदे हैं मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। मैं अभी पीछे में रुका था नाश्ता वगैरह करने के लिए, तब उनसे मैंने पूछा मैंने सर गोवा जाने के लिए, तो दे विल सजेस्ट मी कि इस वाले रोड से मत जाओ, अभी उन्होंने मेरे को दूसरा रोड बताया तो मैं वहीं से जा रहा हूँ। तो पीछे रह गया कट, पीछे से चलते हैं एक बार। तो मतलब भाई जो बंदे हैं ना वो बहुत अलग लेवल है और पता नहीं कब कब में हम केरल में आ गए, अलग लेवल यार, मतलब मैं ना अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना प्यार मिलता है बाहर आके जिसकी कोई हद नहीं है। केरल में भाई अच्छे से सेवा की जा रही है, पूरा पूरा पाउडर लगाया जा रहा है भाई। इधर ना कभी स्पेशल आऊँगा यार सिर्फ केरल घूमने के लिए, मेरा बहुत मन है, तो इतना लंबा राइड करके तो नहीं आ पाऊँगा बट ट्राई करूँगा, नहीं तो भाई फ्लाइट आऊँगा क्योंकि यार मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, मैक्स टू मैक्स 7 डेज मिलते हैं घर से। तो होप ट्राई करेंगे यही कि नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊँगा तो भाई फ्लाइट आऊँगा और पूरे से घूम फिर के अच्छे से फिर जाऊँगा। तो केरल से गोवा की जो एंट्री है ना वो बहुत मस्त है यार, मतलब लीनिंग लाइक फुल ऑन मज़ा आ रहा है भाई, क्या नज़ारे हैं भाई, एक नंबर नज़ारे हैं यार, मतलब मज़ा आ गया भाई नज़ारों को देख के तो यार सीरियसली। भाई लोगों अपन ने गोवा की एंट्री कुछ इस तरीके से करी है कि इस रोड पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे ब्लैक मॉन्स्टर ये मजनू है बस। और भाई जो मज़ा आ रहा है ना मतलब इस रोड पे लाइक आहा सीरियसली भाई बहुत मज़ा आ रहा है इस, ये रोड ट्रिप बहुत सेक्सी गया है सीरियसली, बहुत याद आएगी। तो जितना हो सकेगा मैं उतनी मेमोरीज कलेक्ट करूँगा क्योंकि ये मेमोरीज है ना भाई बहुत ज़्यादा आने वाले, बहुत ज़्यादा भाई। रोड देखो एक बार खुल्लम खुल्ला,
अरे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों भाई। एक गड्ढा नहीं है इस रोड पे, और बाइक 100 पे देख लो, और क्या मजा आ रहा है। बस जो ऐसे ना पंप है, आहा सीरियसली भाई, नो डाउट बहुत अच्छा रहा ये रोड ट्रिप, बहुत अच्छा रहेगा। गॉड ब्लेस अस, बस अच्छे से ही जाइए रोड ट्रिप। और भाई लोगों एक बैड न्यूज़, धर्मेंद्र भी है, युधिष्ठिर भी है, और HSR व्लॉगर वो निकल गए थे आगे, तो वो दूसरे वाले हाईवे से आ रहे हैं, सो उनको ये सब देखने को नहीं मिल पाएगा। सो सैड, सीरियसली सो सैड। कोई बात नहीं धर्मेंद्र भी, अगर आप ये व्लॉग देखोगे बाद में तो आपको लगेगा कि आपने क्या मिस किया है, ये सब मिस कर दिया आपने धर्मेंद्र भैया। कोई बात नहीं, क्या पता मुझसे अच्छी व्यूज आप देख रहे हो, वी नेवर नो, वो तो एक दूसरे की वीडियोस देखने के बाद ही पता लगेगा। बट क्या यार, उनको ना बहुत लॉन्ग पड़ गया, जब मैं 85 किलोमीटर पे था तब वो 123 के किलोमीटर पे थे, तो दे वॉज लाइक यार बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अब होगा तो होगा भैया, अपन क्या कर सकते हैं। गूगल मैप लगाया हुआ था भैया ने, फिर भी पता नहीं क्या हुआ, भैया भूल गए पता नहीं क्या हुआ। बट कोई बात नहीं जी, अपन अपने रिश्ते चलते हैं छड़ा छट गोवा पहुंच के। भाई रूम लेना है और सोएंगे यार, बहुत थक गए, मतलब फुल ऑन थकान हो चुके हो। सो भाई लोगों, गोवा में स्वागत कुछ इस तरीके से होता है कि यार मतलब दिल में ना खुश नसीबी से महसूस करोगे कि मैं कुछ अच्छी जगह पर आया हूँ। भाई क्या लीनिंग रोड्स हैं, कोई मतलब शक, मतलब कोई एक बार को तो मैं सोच रहा हूँ अपन गोवा ही जा रहे हैं ना, ये हाल था मेरा। सीरियसली भाई ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं जम्मू कश्मीर में हूँ या हिमाचल में हूँ, पता नहीं किधर में हूँ। बट ये जो अलग लेवल का जो फील आ रहा है ना इधर में, वो बहुत अलग लेवल ही है, सच में अलग लेवल है। और इसको लीनिंग करने में भी जो मज़ा आ रहा है ना मेरे को, वो मैं ही जानता हूँ। सो भाई लोगों, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, मैंने मेरे को वहाँ कैमरा बंद करना पड़ा तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं ले पाया मैं। तो आप जैसे ही गोवा में एंट्री करेंगे तो आपको कोविड रिपोर्ट्स भी दिखानी पड़ेंगी और वैक्सीनेटेड रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी, इन दो में से एक चलेगा जो भी होगा। बट वैक्सीनेटेड वाली जो है उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं, कोविड रिपोर्ट्स नहीं अलाउ कर रहे, बट वैक्सीनेटेड जो है उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं। सो प्लीज़ जो भी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी वैक्सीनेटेड रिपोर्ट लेके जाना, उसके नहीं तो उसके बिना फिर आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा, इसमें दिक्कत आपके लिए होने वाली है भाई लोगों। तो प्लीज़ अपनी वैक्सीनेटेड रिपोर्ट लेके जाना, और जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ जाके वैक्सीनेशन लगवा लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। अभी तक सीरियसली फील नहीं हो रहा कि हम गोवा जा रहे हैं, मतलब बीच वगैरह तो दूर दूर तक अभी तक हमको दिखा ही नहीं है, और पता नहीं यार कभी दिखेगा यार, मतलब अब तो आँखें तरस गई, भगवान जी आ जाए गोवा। अब तो अभी भी 22 किलोमीटर बाकी है भाई, हाय राम। जब घर से चले थे तो 1900 किलोमीटर भी कम लग रहे थे, और अभी मैं भाई 20 किलोमीटर भी बहुत भारी लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे से नींद पूरी नहीं हो रखी है यार, और नींद इतने अच्छे लेवल पे आ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है, बस जाते ही बेड पकड़ना है और सो जाना है बस, और दूसरा काम कोई करना ही नहीं है। दूसरा काम देखेंगे शाम को भाई, कहीं घूमने के लिए जाएंगे। बट अभी तो ये सीन है भाई, होटल पकड़ो और सो जाओ, भूल जाओ कि कोई है अगल बगल या आसपास तुम्हारे। हम तो सोच रहे थे भाई कहाँ सुबह 6 बजे पहुंच जाएंगे, बट यहाँ तो 12:30 बज चुके हैं और आधा घंटा और लगेगा। ओ माय गॉड, हे भगवान, क्या करवा रहे हो भगवान जी। सो भाई लोगों, टाइम हो चुका है, सुबह के 4 बज चुके हैं, और हम कल पहुंचे थे भाई 3 बजे के अराउंड, 2 बजे के अराउंड यहाँ पहुंच गए थे। 3 बजे नहा धो के रेडी हो गए थे, फिर उसके बाद सीधे से नहा के सो गए थे, और भाई सीधा ना रात को 2 बजे उठे, और मैंने टाइम देखा यार, मेरा टाइम क्या हो रहा है, तो मैंने फ़ोन उठा के देखा तो उसमें बज रहा था 1:30। तो मुझे ये लगा कि दिन के 1:30 है या रात के 1:30 है, मुझे तो ये भी याद नहीं था। फिर मैं बाहर निकला तो देखा भाई रात हो रही है, और अपन ने कुछ खाया भी नहीं था, तो पेट में जो चूहे थे भाई बहुत ज़्यादा घुड़घुड़ा रहे थे। तब मैंने भैया को उठाया, मैंने भैया यार उठो, अब तो कुछ खाने का मांगते हैं यार, मतलब निकलो यहाँ से। तो भाई रात में ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर गोवा में सब कुछ खुला रहता है, तो हम लोग गए थे बीच के पास में, कोई रेस्टोर विद बार था, हमें तो रेस्टोर की नीड थी, हमें बार बार की तो कोई नीड थी नहीं। तो भाई रेस्टोर में जाके अच्छे से खाना वाना खाया, मैंने नॉनवेज खाया और भैया लोगों ने सब ने नॉर्मल आलू पराठा वगैरह खाया, क्योंकि टाइम ऐसा था यार कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या
खाए क्या नहीं खाए, बस नींद में उठ के गए थे और नींद में ही वापस आ गए। अभी बज रहे हैं भाई सुबह के 4 और हालत हो रखी है खराब, जिसकी कोई हद नहीं है। और मतलब बिल्कुल फ्रेश है, वैसे तो फ्रेश है, बट अभी है ना यू नो सुबह सुबह उठना, हमने कभी उठे नहीं, तो अभी मैं ना नींद आ रही है, तो अभी सोच रहे हैं वापस से सोने का, बट मेरे को करना है डाटा कॉपी, तो पहले करूंगा मैं डाटा कॉपी। और अभी धर्मेंद्र भी डाटा कॉपी कर रहे हैं, वो पीछे बैठे हुए और ये दर्शन भी आराम से ऐसे बैठे हुए जैसे सुबह के दिन के शाम के 4 बज रहे हो। और उस टाइम पे अगर भाई आप लोग इनको देख लेते ना तो कहते यार ये कर क्या रहे हैं, मतलब हम कर क्या रहे हैं, कुछ हमें खुद को ही नहीं पता था हम कर क्या रहे हैं, बिकॉज बस सोने पर ध्यान दे रहे थे और कुछ भी नहीं था, क्यों यार 25-26 घंटे से बाइक चला रहे हम लोग, तो बॉडी बिल्कुल है ना हैंग आउट हो चुकी थी, जिसका कोई हद नहीं था। और ये हमारे व्लॉगर साहब, हाँ जी व्लॉगर साहब कहाँ भाई, मजा आ गया भाई, कहाँ पर बीच पर जाकर भाई, इनको बीच पे जाके मजा आया, और एक और जगह गए थे बता नहीं रहे। एनीवेज भाई लोगों काफी मजा आया, बीच पे गए, वहां पर अपन ने कॉफी पी, कॉफी अच्छी नहीं थी बट वो एक्चुअली व्यू के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही थी कॉफी, तो लाइफ फुल ऑन एंजॉय के साथ चल रही है। गोवा वाला जो ट्रिप है वो बहुत अल्टीमेट है, साथ में यार जो बड़े भाइयों का साथ मिला हुआ है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा कि हम बड़े बूढ़ों के साथ आए हुए, बट सीरियसली मजा मजाक कर रहा हूँ यार। एनीवेज जो साथ में भैया आ रखे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है नो डाउट, और सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब 1% भी फील नहीं हो रहा कि हमारी सेम एज के हैं, हमसे बड़े हैं, दे वर वेरी फ्रेंकली बहुत अच्छे हैं। इवन धर्मेंद्र भी डिस्टर्ब किया तो भाई बहुत सपोर्ट है, मैं नो डाउट मैं इनको अब से नहीं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, इवन धर्मेंद्र भी और मैं तो साथ में BCC क्लब में थे, भरतपुर साइकिल क्लब, तो वहीं से मेरी उनसे थोड़ी मुलाकात हुई थी, बट इस ट्रिप पे ना बहुत मजा आ रहा है और आने वाला है आगे भी। एनीवेज भाई लोगों इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अब चाहूंगा मैं आपसे इजाजत, टिल देन बाय बाय गुड बाय।